मैं हूँ आरजू और आप देख रहे हैं बजू वेल आप सोच रहे होंगे कि आज हम किसके इंटरव्यू के लिए आए करेक्ट आपने उन्हें बहुत सारे टी वी शोज में देखा होगा वेल uh, well, मैं सोच रही हूँ नाम बता ही दू बता दू या उनसे ही पूछ लिया जाए चलिए देखते हैं hey, बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच आरजू वेल मेरा नाम कृप कपूर सूरी है आप सभी लोग शायद जानते होंगे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कवरिंग अप मी फॉर टू प्रोमोट माई शो कॉल्ड बागिन वेल कृपम अगर बात करें कि बागिन जो शो है किस तरीके का जैसे तो हमने प्रोमो देख ही लिया आपका क्या अंदाज है एक अलग ही अंदाज़ में आप नज़र आ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे प्रमो ah, एक्चुअली बहुत अच्छा है मतलब पूरा एक्शन पैक प्रोमो है और शो बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा हटके है इट्स समथिंग डिफरेंट इट्स नॉट समथिंग बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट है इस शो में वो नॉर्मल जो जो कहते हैं ना सास बहू का जो एक तड़का मिलता है वो जो कि बुरी बात नहीं है उसके भी एक ऑडियंस होती है बट हाँ जो ऐसे कल्ट शो होते हैं जो एक जो एक रेवोल्यूशन और या कल्ट क्रिएट करते हैं ये उनमें से एक शो है और एक्सपेरिमेंट किया है अतरंगी uh, ने विभू जी ने नवेता बासु ने बहुत uh, कमाल की स्टोरी लाइन पर काम किया है और और जो मैं इसमें किरदार प्ले कर रहा हूँ उसका नाम अग्नि है और आई थिंक वो प्रोमो से सबको हिंट मिल ही गया होगा कि uh, कितनी आग लेके चल रहा है ये कैरेक्टर अपने साथ यू नो समथिंग लाइक दैट सो वो मुझे मौका मिला एक प्ले करने का अग्नि और अग्नि इस शो का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर नेगेटिव करो एंटी विलन कह लो आप इसको मैं एंटी हीरो भी नहीं बोलूँगा इसको एंटी विलन बोलूँगा बहुत जिसके बहुत सारे शेड्स हैं और एक एक एक्टर को एक ही सीरीज़ में अगर तीन शेड्स करने को मिले तो बहुत लकी हो मतलब आप उसको ही फील ही फील्स लकी आई फील लकी दैट नो आई गॉट अ चांस टू प्ले थ्री थ्री डिफरेंट शेड्स एक बीस साल एक एक यंग एज उसके बाद फिर एक एक छोटा सा लीप लेते हैं दो एपिसोड के बाद फिर वो एक छड़ी हाथ में आ जाती है छड़ी नॉट नॉट बिकॉज आई एम मोल्ड बिकॉज बागिन से लड़ाई फाइट करते करते उसने मेरी टांग से वो खाड़ दिया पूरा तो अपना एक हल्का सा मेरे वो, वो है लंगड़ा के चलना पड़ता है मुझे फिर एक आता जब मैं बाघ अवतार बनता हूँ बाघ का अवतार लेता हूँ ताकि मैं बागिन से लड़ सकूँ और रिवेंज ले सकूँ जिसकी जिसके लिए वो हमारे घर पर हम सबको मारने आई है बागिन का शिकार करता है ये एक इकलौता बंदा है जो बागिन का शिकार करता है मारता है उसको मार के खाल वाल बेचना ये धंधा है उसका दैट्स इज बिजनेस इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया उसने तो बस ये एक शो है जो कि कमाल है इसमें कोई इच्छाधारी बागिन नहीं है जैसे इच्छाधारी नागिन होती है उसमें नागिन इसमें इट्स प्योर प्योर एंड प्योर एक लड़की है जो बागिन की आत्मा से पोजेस्ड है और वो क्यों आई है क्योंकि मैंने उसको मारा है पहले उसकी माँ को मारा फिर उसको मारा, अब वो बदला तो वो बदला बदला लेने आई है, है। है तो कैसे लेगी? वो, वो पुरी कहानी वेल मैं 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 कह सकती कि कि ये ये शो बहुत ज़्यादा होगा, हो क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने किया ना, और इसलिए में बाज़े में, फैक्ट सच है। आप, कर लो, हीरो का कर लो, आप मतलब बस ये दुआ करो कि अब जो जर्नी बात बहुत टाइम के बाद अब शुरू होने वाली है शुरू हुई है बहुत लंबे समय तक चले अब चाहे वो ओ हो बिकॉज अभी ओ टी में मेरी दो सीरीज़ और रिलीज़ हो रही है बहुत बड़ी है इसके साथ साथ सो आई जस्ट वॉन्ट की पीपल शुड लव मी की प्रेजिंग मी की प्रेंग फॉर मी आप लोग भी ताकि आ, एक सबको एक अलग अलग अवतार में डिफरेंट अवतार में मैं उनको आ, उनको आ, कहते रहूँ उनको देखने को मिले कृप कपूर सूरी और मैं भी बस सीखता रहूं क्योंकि हर एक किरदार में मैं बहुत कुछ सीखता हूँ क्योंकि मैंने कोई इंस्टीट्यूट से नहीं आया मैं किसी थिएटर से नहीं आया मेरी स्कूलिंग प्योर जो स्कूलिंग मैंने अगर अ, सी, अ, मेरी है वो सिर्फ सिनेमा देखकर बहुत सारी मूवीज़ देखी है मैंने उनको देख देख के मैंने सीखा और काम करते करते सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा क्योंकि जितना आप करते रहते हो उतना आप सीखते रहते हो हर पल आप कुछ सीखते हो और बस तो यही है कि आगे भी बस ऐसे करता रहें वेल well, मैं कह सकती हूँ कि एक अतरंगी एक अतरंगी तरीके से भी आया है ये स्टार भारत पे भी आ रहा है ये डिजिटल पे भी आ रहा है मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट कि मतलब अगर आप टीवी पे देख रहे हो तो टीवी पे देखो अगर आपको फ़ोन में देखना मतलब दोनों जगह आपने अवेलेबल कर ही दिया इस चीज़ को उसमें एक अतरंगी एक्टर भी ना देना वेरी अतरंगी सो उसका कैरेक्टर भी बड़ा अतरंगी है तो अच्छी चीज़ है जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है सभी हर हर इंसान के लिए जो इस शो से जुड़ा हुआ है जो इस 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 प्रोजेक्ट के साथ इसका हिस्सा है सबको कुछ ना कुछ कहते ना एक अप्रिसशन मिलेगा और और तारीफ़ें मिलेंगी क्योंकि अच्छा शो है बड़ा शो है और जिसने जितना काम किया उसको उतनी तारीफें मिलेंगी वेलक्रिप uh, well, बोलना नहीं चाहिए जिशान से जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने आपकी तारीफ की कि बहुत कुछ आपसे सीखने मिला है तो बाकी जो को स्टार है जैसे कि उन्होंने आपसे सीखा आपको कोई ऐसा एक कैरेक्टर जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो सी uh, मैं मैं हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता हूँ hmm. क्या होता है कि वेन इट कम्स टू एक्टिंग हर इंसान एक्टर है ठीक okay. है आप मैं जब किसी से मिलता हूँ उसको एक्सप्लोर करता हूँ और एक्सप्लोर करते हुए बहुत सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम मुझे लगता है कि अगर हम बड़े ध्यान से उसको ऑब्ज़र्व करें उसको देखें तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना लेकर अपने अंदर डाल सकते हैं फिर वो फ्यूचर में कभी काम भी आ सकती है अगर एज एक्टर बात करूँ मैं तो हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीखते हो कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हो जो हमें नहीं करनी कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हो जो हमको श्योर शॉट करनी है क्योंकि वो बड़ी अच्छी लगी uh, कुछ किसी के बिहेवियर्स काफ़ी ऐसे होते हैं जो एक बार मिलते लगते वाह यार यारो स्वैग मैन सो आई वो वो कैसे लेके आएंगे तो आई मोर इन टू मोर इन टू लाइक यू नो लर्निंग ऑन रियर ऑन सेट जब आप काम कर रहे होते हो तो सी बाकी रही बात जब हम काम कर रहे होते हैं तो मेरा फोकस कहीं और होता नहीं है क्योंकि हम मैं अपना किरदार निभा रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं एक किरदार दिया है मुझे तो जिन्होंने दिया है उन उनका कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होंगी तो उस पर खरा उतरने के लिए मुझे लगता है कि जैसे हम स्कूल में होते हैं अपना होमवर्क अगर अच्छे से करके जाते हैं तो क्लास में हम फिर अच्छे से जवाब भी दे पाते हैं ना तैयारी पूरी अच्छी होती है तो उसी तरह जब हम शो कर रहे होते हैं मेरा ये मानना है कि आप अपना इतना होमवर्क अच्छा करके जाओ कि जब नेक्स्ट डे आप सेट पर रहो तो आपको फिर इधर उधर नकल करने की ज़रूरत नहीं है किसी को देख कर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है मैंने एक्ट्रेस लोगों से सी सीखा है बहुत सारे एक्ट्रेस उनके साथ मैंने काम किया है जैसे अलका मैम अलका अमीन जी जो मेरे शो में मेरी माँ बनी थी वंडरफुल लेडी आई लर्न सो मच फ्रॉम हर देन मेरे को एक्टर कॉल आयाम मेहता जी जो उत्तर में थे मेरे साथ जो पदमावत में भी थे पंडित मृत्यु और आई हैव लर्न फ्रॉम हिम सो मच ही इज़ अमेजिंग एक्टर सो मैन आई लुक एट अ पर्सन विद दैट प्रोस्पेक्टिव यू नो कि हाँ अब एज एन एक्टर मुझे कुछ सीखना है तो फिर मैं चीज़ें ग्रैप करता हूँ बिकॉज मैं अब मैं उस अंदाज उस नजरिए से देख रहा हूँ जब मैं कोई फिल्म देखता हूँ मेरा नज़रिया वही होता है कि अगर मैं होता तो मैं कैसे कर पाता इसको या मैं ऐसे कर सकता हूँ या मैं ऐसे कर पाऊँगा और बात फिर जब दूसरे पहलू की आती है तो वहाँ पर एज अूमन बिंग मुझे क्या सीखना है तो जीशान इज़ वन पर्सन जिससे मैं मुझे लगता है इज़ अ वेल मैनड एंड तहजीब के साथ बात करने वाला और पोलाइटली बात करने वाला जो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी चीज़ है वो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए क्योंकि मैनोरिज़म और आपकी तहजीब आपको ये बताती है दैट वे यू कम फ्रॉम सो याफकोर्स और uh, मी बींगी मी बीप कपूर पंजाबीज आर लाउड आई है आपका आधा काम एनर्जीज कर देती है नो तो वो है बाकी तो यार सबसे ज्यादा वो सिखाता है जिंदगी सिखाती है लाइफ टीच इज यू जो लाइफ सिखाती है वो कोई इंसान या कोई टीचर या कोई स्कूल नहीं सिखा सकता मुझे मेरी ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है हर पल uh, मैंने सीखा ही है uh, जैसे मेरे माय फादर डाइड ऑन माय मैरिज डे तो वो मैंने क्या सीखा होगा ना उस पूरे मंजर में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी देखी होंगी जब देखी होंगी तो वो तो ऐसी बहुत सारी लाइफ में चीज़ें आई जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत ज़रूरी होता है सीखना और सीख उन चीज़ों को समझना आगे बढ़ना एंड कीप इट विद यू ऑलवेज दैट वाय बिलीव अगर आपको कभी मौका मिले कि प्रीवियस शोज़ तो आपने किए उसके अलावा अगर आपको किसी के साथ काम करने हो उसी शोज में से तो वो कौन होंगे महेश शेट्टी मेरे साथ थे कलश में आई वो रेडी वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन अलका मैम डेफिनेटली आई वुड वर्क विद हिम बिकॉज एक तो uh, मेरी माँ जैसी हैं मेरी माई है वो और मैं दोनों सेम डेट डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं फोर्टीन जून फोर्टीन जून बहुत मुझे प्यार करती है वो उनके साथ मैं काम डेफिनेटली वापस से करना चाहूँगा सिर्फ बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे लगता है मुझे वापस से काम करना चाहिए जैसे कि uh, मेरी साडा हक की टीम है mm -hmm. साडा हक वॉज अमेजिंग शो फॉर मी यू नो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है वो वो टीम के साथ वापस आई वुड लव टू वर्क विद एंड कलश ऑफकोर्स आई वुड लव टू आई वुड लव अगर वो कलश सीजन टू लेकर आए क्योंकि यू नो बिकॉज दैट 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 वो वो एक जोड़ी ने काम किया वो सब एक्ट्रेस ने काम किया एंड तो ऐसे बहुत सारे शोज हैं मैं चाहता हूँ जीत गया तो पिया मोरे मुझे लगता है कि उसका भी सीजन टू आना चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे सब शो का सीजन टू आए ये बहुत अच्छा था वेल अतरंगी और बागिन से किस तरीके के एक्सपेक्टेशन है आपको जो अभी फैंस देखेंगे वो इतना अब क्या मतलब कैसा लग रहा है कि आपको क्या लगता है ये बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि आजकल टी वी पे रियलिटी शोज या टी वी शोज चलना बहुत डिफिकल्टीज नाइट सीरीज ये चार महीने में सीरीज खत्म हो जाएगी जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है कि एक नॉर्मल टीवी शोज का एंड नहीं होता ये हमने शूटिंग एंड खत्म करके ही हमने रिलीज किया है ना अतरंगी वालों ने पूरा शूटिंग खत्म है हमारा mm -hmm. पोस्ट का काम चल रहा है टी वी ऑन ईयर शो हो चुका है तो अगले चार महीने में सीरीज खत्म हो जाएगी और आई बिलीव कि सब जैसे ट्वेंटी ट्वेंटी का टाइम है ना बीस 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 ओवर का ज़माना हो गया ना तो उसी तरह तो ठीक है एक साल वाले शो भी बनने चाहिए बट ज़्यादा लाइफ में जो मैं देखता हूँ अभी कि अभी तीन महीने की सीरीज़ या दो महीने की सीरीज़ या चार महीने की सीरीज़ लोगों को इंटरेस्ट बनता है ख़त्म हुआ उसके बाद आगे बढ़ो वो इतना लंबा ड्रैग करना या खींचना वैसे तो एक्टर्स के लिए अच्छा ही होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों ने अपने बंगले बना लिए पैसे कमा कमा के या कुमकुम भाग्य हो गए ना पीपल हैव वर्न लॉट ऑफ मनी सो अच्छा ही होता है बट मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रॉम फॉर एक्टर ऑल्सो समाइम टाइम्स यू नो एक्टर बिकम्स मोर प्लेइंग द सेम कैरेक्टर कुछ डिफरेंट नहीं होता बट अगर वही एक्टर हर तीन महीने के बाद एक नया किरदार एक नई सीरीज करे तो एक ना वो मज़ापन रहता है यू no? नो और एक छोटी सी लाइफ में एक एक्टर ना हज़ार किरदार भी जीने का मौका मिल जाता है उसको यू नो बीइंग अ कपूर सूरी मैं एक ही लाइफ जीऊँगा बट अगर मैं हर में ही साल में अगर चार सीरीज कर लूँ तो साल में चार तो पचास साल में कितने हो गए तो आई कैन लिव लॉट ऑफ कैरेक्टर्स यू नो वेल थैंक यू बहुत अच्छा था हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा आपको बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच आरसू मे गॉड ब्लेस यू एंड गाई कीप वॉचिंग बागिन थैंक यू सो मच ऑन अतरंगी फ्रॉम एक सारा भारत में तो ऑलरेडी uh, शुरू हो ही चुका है जैसे की आप जानते हैं सो कीप वॉचिंग एंड ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे शो को एन एमड शो यू गागिन एंड अग्नि थैंक यू